हेलो एवरीवन, मेरा आज रेसिपी है दही वाला पनीर। इसके लिए मैं ली हूँ ये पनीर। पहले मैं पनीर का एक मिक्स कर दूंगी मैरिनेट के लिए। इसमें मैं बटर लूंगी, फिर चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, कस्तूरी मेथी, और ये सॉल्ट। इसका एक मिक्स बना दूंगी मिक्सचर। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस पनीर को मिक्स कर दूंगी। अच्छे से इसे हम कोट कर देंगे। इसे साइड में रख देंगे। अभी हम कॉर्ड का एक मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए मैं ये कॉर्ड ली हूँ, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और बेसन। आप बेसन के बदले काजू पेस्ट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। हर वक्त हम मसाला दिया खाते हैं, ओनियन पेस्ट, जिंजर, गार्लिक, ये सिंपली कॉर्ड और थोड़ा सा जिंजर तड़का लगेगा। इसे मैं हल्दी पाउडर मिक्स करूंगी, जितना चाहिए हल्दी पाउडर, बस सबका टेस्ट करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, इसमें लग जाता है, बच जाता है। फिर चिल्ली पाउडर, फिर इसमें धनिया पाउडर, फिर ये बेसन। आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी ले सकते हैं, मैं इसमें बेसन। इसे हम ऐड करते हैं बेसन, इसका जो ऑयल है वो फट ना जाए। ये जो कॉर्ड अगर हम ऑयल में डालेंगे तो वो फट ना जाए, इसलिए हम बेसन ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से एक टेक्सचर देंगे मिक्स करके। फिर अभी हम पैन में हम इसमें ऑलरेडी बटर है,
तो इसे ओनली फ्राई करेंगे लाइट फ्राई। हम और थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। ये कलर बहुत अच्छी आ रही है इसका कंडीशन, ये हो गया है। फिर मैं जिंजर चॉप जिंजर ऐड करूंगी, ग्रीन चिल्ली जो सॉरी रेड चिल्ली, और ये कार्डमम का फिर मिक्स करूंगी। Thank you.
इसका टेक्सचर। ग्रेवी रेडी हो गया है। के ऊपर ये जो फ्रेश क्रीम है अमूल का, और ये पुदीना लीफ, मेरा ये दही वाला पनीर ग्रेवी रेडी हो गया है।